दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और क्लोज फ्रेंड्स से जुड़े सवालों पर कम ही बात करते हैं। लेकिन वहीं बात करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो कॉफी विद करण सीजन 7, तो ये हमेशा से ही धूम मचाता आ रहा है, जिसमें स्टार्स को दिल खोल बात करते हुए देखा जाता है। इसके चौथे एपिसोड में सुपरस्टार और बी टाउन एक्ट्रेस के बीच सबसे ट्रेंडिंग क्रश विजय देवरकोंडा अपनी को एक्टर और पॉपुलर फेस अनन्या पांडे के साथ दिखाई देने वाले। ऐसे में जब शो के आइकॉनिक होस्ट करण जौहर ने दोनों से दिल, करियर और काम को लेकर सवाल किए, तो दोनों ही स्टार्स इस पर बात करते दिखे। इस दौरान अनन्या पांडे ने बातचीत को सुपर इंटरेस्टिंग बनाते हुए अपनी लव लाइफ से जुड़े कुछ डायरेक्ट और नॉट सो डायरेक्ट खुलासे भी किए। शो पर आई अनन्या ने, जो अब सिंगल हैं, ने कंफर्म करते हुए कहा, मैं इस प्लेनेट पर सबसे अविवेकी व्यक्ति हूं। हालांकि जब ईशान खट्टर के साथ उनके आखिरी रिश्ते और कार्तिक आर्यन के साथ डेटिंग की अफवाहों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने साफ तौर से अपनी पिछली जिंदगी में रहने से इनकार कर दिया। बता दें, अनन्या 2019 में अपने डेब्यू के बाद से तेजी से लोकप्रियता के पायदान पर चढ़ रही हैं। ऐसे में उनके जवाब ने उनके को एक्टर और प्रशंसकों को दो वेल नॉन बॉलीवुड हार्ट थ्रोब के साथ उनके संबंधों पर बहस करने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि वहीं फैशन दिवा ने दर्शकों को अपने लेटेस्ट क्रश के बारे में बताते हुए कहा, मुझे आदित्य रॉय कपूर हॉट लगते हैं। हालांकि कॉफी विद करण काउच पर होने के बावजूद अनन्या के लेटेस्ट लव इंटरेस्ट के बारे में उनसे जानकारी हासिल नहीं की जा सकी, जिसके बाद करण जौहर ने हार मानते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, दिस डॉल कैन हैव अ बॉल। अभी के लिए प्रशंसकों को इसके लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या किसी हॉट की तलाश उनके रिलेशनशिप में होने की तरफ इशारा हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अनन्या पांडे किसके साथ रिलेशनशिप में है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।